भारत निर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवा बिहारी सिंघानिया ने सुपौल व्यवहार न्यायालय में पीएम नरेंद्र मोदी सहित अन्य के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया है। सदर बाजार के व्यापार संघ सभागार में आयोजित प्रेस ब्रीफ में ये जानकारी देते हुए शिवा बिहारी सिंघानिया ने कहा कि उन्होंने पीएम सहित गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं अन्य मंत्रियों जिसमें कुल 17 लोगों के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राष्ट्रीय स्तर की है वो नोटबंदी पर है। तो नोटबंदी पर क्या क्या किया गया, गैर कानूनी ढंग से जो नोटबंदी किया गया है उसके ऊपर एक मामला दर्ज किया गया है सीजीएम किया। सीजीएम ने क्या किया है कि उसको सुनवाई करके केस को एडमिट कर लिया और श्री कुमार आलोक पाठक के यहाँ कस्टम जज के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वो चल रहा है, इसमें 17 आदमी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री सहित, प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, अजीत डोभाल रक्षा मंत्री हैं, पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण हैं, रविशंकर हैं, इस तरह 17 आदमी को बनाया गया है। और भारतीय दंड विधान की धारा 120 बी, 420, 406, 123, 121 से 504, 506, 153 ए, 153 बी, 499, 353, 306, 124, 125, 124 ए के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।